अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अशार की तशरीह कैसे करें। आपकी स्क्रीन पर 2022 का सवालिया पर्चा है। ये वही सवालिया पर्चा है जो मैंने पिछली वीडियो में मुकम्मल हल करवाया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक बार पिछले साल का सवालिया पर्चा ज़रूर हल कर लें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो सवालात है क्वेश्चन पेपर में ना, कुछ ना कुछ सवाल हर साल रिपीट होते हैं। तो जब आप एक सवालिया पर्चा हल करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि अशार की तशरीह कैसे करें। तो यहाँ पर देखें, आपको कोई एक नज़म दिया जाएगा और उसमें एक सवाल जो है वो हमेशा कन्फर्म होता है कि तशरीह ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, दो नंबर के लिए है। मुझे नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है। आप इसकी तशरीह देखेंगे डाइजेस्ट में तो इतनी बड़ी मिलती है ना। तो दो नंबर के लिए हम इतनी सारी तशरीह अशार की तो याद नहीं कर सकते, या रट्टा मार के इतनी मेहनत तो नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पिछली वीडियो में मैंने इस अशार की तशरीह में क्या बताया था, डाइजेस्ट से ये आंसर मैंने बता दिया था, लेकिन इसे अपने अल्फाज में आपको कैसे लिखना आज मैं आपको ये बताऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये मान के चलें कि एग्ज़ाम में आपको ये शेर दिया जाता है तशरीह करने के लिए। ठीक है, कि यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। अब आपने ये याद तो नहीं किया है, आपको इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, अशार पे गौर करें कि शायर बोल क्या रहे हैं। वो जो शायर बोल रहे हैं ना, उसी को आपको क्या करना है, जो शायरी वाले अंदाज़ में शायर ने कहा है उसी को आप अपने जुमले में लिखेंगे, नसर वाले अंदाज़ में। ठीक है, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती। कि अगले ही जुमले में शायर क्या कहते हैं, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि शायर परेशानी की बात कर रहे हैं। अब आप इस एक जुमले को पकड़ें, परेशानी, और इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करें। क्या लिख सकते हैं आप इसके ताल्लुक से, कि मस्कुरा बाला शेर में शायर कहते हैं कि परेशानी, गम, दुख, तकलीफ़, मुसीबत, बहुत सारे अल्फाज हैं, आप ये सब लिख सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो कभी तन्हा नहीं होने देती, मिसरे में आया ना, तन्हा नहीं होने देती। तो आपको भी बस इसे लिखना है नसर अंदाज में, कि ये सब चीज़ें जो इंसान को कभी तन्हा नहीं होने देती, अकेला नहीं रहने देती, हमेशा इंसान के साथ लगी रहती है, उसकी ज़िंदगी में चलती रहती हैं, इंसान इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। देखिए, एक ही बात है, एक ही जुमला है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिख के आपको क्या करना है, तीन से चार लाइन आपको बनाने हैं दो नंबर के लिए। ठीक है, जिस दिन इंसान को इससे छुटकारा मिल जाए, समझो उसका आखिरी दिन है। इस बात को शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आखिरी मिसरे में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करके कहा है कि ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। यानी मौत ही इंसान को परेशानियों से निजात दे सकती है। देखिए कितना आसान है दो नंबर के लिए। अब आपको ये ज़्यादा आसान लगता है कि आप जाए डाइजेस्ट के इतने बड़े जवाब इतने मुश्किल अल्फाज में रट्टा मारें, या थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। अब ये कैसे होगा कि आप अशार की तशरीह अपने अल्फाज में कर पाएंगे, ये एक ही बार में मुमकिन नहीं है। सुनने से क्या होता है, हमारे दिमाग में अल्फाज जमा होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, गज़ल, नज़म, जब ये इसकी तशरीह होती है, जो वो वाली वीडियो नहीं देखते हैं जहाँ पे आंसर बताया जाता है, सवाल हल करवाए जाते हैं, वो वीडियो देख के फटफट अपने कॉपी में क्या करते हैं, जवाब उतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको उससे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, जिस वीडियो में तशरीह कराई गई है। जब आप तशरीह एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तो यकीन माने आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको जवाब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लिख सकेंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को अब पहले की तरह, पहले ये होता था कि ये शेर किस नज़म से लिया गया है, या किस गज़ल से लिया गया है, या इसके शायर कौन है, ये पूरा याद रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आप लोगों को ये कुछ भी याद नहीं करना है, बहुत आसान हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें सुननी है, सुनने से आपका दिमाग क्या करता है, वो अल्फाज, वो जुमले कैच करता है। तो आप लोग ध्यान दें कि आप लोग जो तशरीह वाली वीडियो ना, उसको ध्यान से हमेशा सुना करें, सवाल जवाब से ज़्यादा उस पर ध्यान दें। और मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, इसमें मैंने बताया है कि आप लोगों को कौन कौन सी दुआ हमेशा एग्ज़ाम के टाइम ही नहीं, किसी भी मुसीबत परेशानी के वक्त आपको इतनी अहम दुआएं मैंने इसमें बताई हैं, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, देखें और एग्ज़ाम में जाते वक्त भी पढ़ें। ठीक है,
आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो नमाज़ की और पाबंदी कीजिए। नमाज़ तो वैसे फ़र्ज़ है, हमेशा पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम है तो और ज़्यादा अल्लाह से करीब होइए, दुआ करिए, मेहनत कीजिए और लगे रहिए। वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अस्सलामुअलैकुम।